अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद बिलाल इस्माइल। वैसे आप सभी लोग, उम्मीद होगी कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो फारिक बैठे हुए थे, हमने सोचा व्लॉगिंग कर लेते हैं यार। तो अभी मैं मौजूद हूँ भाई की दुकान पे। भाई की दुकान मतलब मेरे बड़े भाई सामर की दुकान। उन्होंने कारोबार स्टार्ट किया, तो वो गए जी नाश्ता करने। हम नाश्ता करके अभी दुकान पे, टाइम इस वक्त हो रहा है 11:30। और आज है हफ्ता, तो अभी उनका कुछ पता नहीं है। शायद मुझे आज पूरा दिन भी बैठना पड़ जाए दुकान पे। भाई दुकान पे इसलिए बैठना पड़ सकता है क्योंकि अब्बू जो हैं वो जा रहे हैं शहर दुकान का सामान लाने। तो शायद वो जो मेरे बड़े भाई हैं उनको भी साथ जाना पड़ सकता है। तो अगर वो चलेगा साथ अब्बू के, तो मेरा हो जाएगा भाई, मेरे को आज पूरा दिन बैठना पड़ेगा। मैं भी जा सकता हूँ, मेरा भी कोई पक्का नहीं। हमारा पापा अब्बू मतलब ले गए, तो शायद मेरे को जाना पड़ जाए। तो बस अभी आपको दुकान का थोड़ा विजिट करवा देते हैं। ओ भाई ये सामान है, हार्डवेयर की दुकान है। ये बल्ब वगैरह, ये सारा वाशरूम्स वगैरह का सामान पड़ा हुआ है। मैं यार मेरे को नाम नहीं आता, वरना मैं नाम से बता देता। थोड़ी छोटी मोटी चीज़ों में मुझे नाम पता है, तो मैं फिर वो बता दूं, मार फायदा नहीं है। बाकी ये थोड़ा सा सामान था, सोलर प्लेट और पाइप वगैरह बाहर पड़े हैं। बाकी ये बल्ब वगैरह छोटी मोटी तार हैं। ये अपना काउंटर, तो स्लो मोशन देख लिया। नहीं बकिया, अभी बकिया यार, अभी तो असल चीज देखनी है। तो चलो आओ। तो भाई आपने दुकान देख ही ली, तो माजरत जो मैं चीज़ें नहीं दिखा पाया या नहीं कर पाया उनके लिए। तो बस अभी भाई आए थे, उन्होंने कहा यार अगर मैं शहर चला गया तो क्या तुम दुकान संभाल लोगे। हम भी चौड़े में आ गए, हमने बोला हम भी संभाल लेंगे भाई। तो उन्होंने कहा तुम जाना चाहते हो तो तुम चले जाओ, मगर हमने बोला यार हमारा उधर क्या काम है, तुम जाओ। अब बैठे हुए, अभी भी उनका पक्का नहीं है, शायद ना भी जाए, बैठे हुए, वरना हम भी इधर। तो भाई दुकान ये मौजूद है शालातीफ टाउन ब्रॉय चौक पे ये मौजूद है। बिस्मिल्लाह हार्डवेयर इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी स्टोर। बाकी जो चाहिए हाजिर है, हम आए दुकान पे उठाए, पैसों के बगैर नहीं, पैसे लेके उठाए। तो बस अभी इंतज़ार है, अगर भाई आ जाते हैं दुकान पे तो आपका भाई घर जाएगा। बस नहीं आए तो फिर हमें बैठना पड़ेगा यार। चलो बैठे, टाइम हो गया भाई 11:40। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। बस यार मेरी तो अच्छी गुजरी, बस जिसका आपने व्लॉग देखा था ईद का तीसरा दिन है, हाँ वो अच्छा गुजरा। बस बाकी ऐसी ईद गुजर गई यार। तो भाई अब टाइम हो रहा है 12:30, और जो हमारे वाले साहब हैं वो चले गए शहर, बट भाई को ले गए। और अभी हमें दुकान संभालनी है पूरा दिन, तो आज हम पूरा दिन फिर इधर ही है। बस अभी बैठे हुए, और गर्मी से बुरा हाल है यार, इतनी गर्मी।
अल्लाह बारिश कर दे, बहुत गर्मी हो रही है यार। बस अभी बैठे हैं तो भाई फारिक बैठा था, हमने मोबाइल टाइम लैप्स भी लगा दिया, अभी बस आप टाइम लैप्स चेक करें मेरे, फर्स्ट टाइम बने, उम्मीद है कि अच्छे बने होंगे। चलें तो भाई अभी मैंने लगाया था मोबाइल टाइम लैप्स पे यहाँ पे, तो बस पहली बार ट्राई कर रहा था कि कैसे बन रहे हैं, उम्मीद ये कि अच्छे बनेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 2 और टाइम फिलहाल बोर हो रहा हूँ, बहुत अच्छा मतलब अच्छा ही गुजर रहा है बस, तो बस अभी देखो क्या होता है, कब आते हैं। और अभी भूख से ना बुरा हाल हो रहा है, खाना भी खाना है और पसीने से, अब गर्मी इतनी है यार पसीना ही जा रहा है, हालांकि पंखा भी चल रहा है तब भी बहुत गर्मी लग रही है। बस तो भाई अभी सीन को जैसे है कि टाइम हो गया है 4 और टाइम यूँ गुजर रहा है पता ही नहीं लग रहा है यार, हर गर्मी से हाल बुरा है। तो व्लॉगिंग मतलब कैमरा मतलब मोबाइल अभी मैंने उठाया यार, और अभी खाना खाना है, और यहाँ पे आपका भाई खाना खा रहा है, यहाँ पे बोतल। फिर मैंने घर पे कॉल की कि भाई खाना क्या बनाया है, तो अम्मी जान ने कहा भाई चावल, हमसे रहा नहीं क्या, हम भाग के गए चावल लेके आ गए, तो अभी चावल खा, भूख इतनी थी, अभी खाना खाते हैं, फिर आपसे खाना खाने के बाद मिलते हैं। हाँ तो भाई खाना खा लिया, खाना अभी नहीं कब का खा लिया, अभी तो टाइम हो रहा है 5:05, तो बस अभी बैठे हुए और खाना, कैमरा अभी उठाया ना, मोबाइल अभी उठाया यार, खाना खा लिया था बस, फिर दिल नहीं किया तो अभी मोबाइल उठाया, अभी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो यार थोड़ा सा ब्लॉग आज का बोर होगा, तो यार मातरत मैंने सोचा था मैं कहीं और जाऊंगा या मैं शहर जाऊंगा, तो वो उल्टा हो गया। बहरहाल अब भाई वालों का इंतज़ार है, वो आने वाले होंगे, तो बस अब उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो भाई अभी सीन ऐसे है कि टाइम हो गया है 6:30 और अब्बू वाले वहाँ से निकलने वाले, और बाहर मौसम ऐसा टाइट हो रहा है ना, क्या अगर साहब अभी मौसम चेक करो। तो भाई आप ये सीन देखो, मौसम ऐसे यूँ बदला है ना, क्या मैं आपको बताऊँ, तो माशाल्लाह से कितना प्यारा मौसम हो रहा है यार। आप मौसम देखा, और अभी बारिश होने वाली है और अल्लाह करे हो जाए, तो बस अभी इंतज़ार है उनका, फिर मैं घर जाऊँ यार, हालत बुरी हो गई है मेरी इधर बैठ बैठ, और टाइम ऐसा गुजरा है पता ही नहीं लगा। आज अभी बैठे हुए बस बाहर, बिल्कुल लाइट नहीं है पूरे कराची में, सब लाइट नहीं है, सुनने में आया पता नहीं वो भाई से ही बता रहे हैं झूठ, मुझे तो नहीं पता, उन्होंने कहा है कि पूरे कराची में सब लाइट नहीं है, और इधर तो इधर है भी नहीं लाइट इस वक्त। टाइम 6:50 और मौसम ऐसा प्यारा,
में काले बादल छाए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। फिलहाल तो बहुत हल्की हल्की हो रही है बूंदाबांदी, आप ये चेक कर रहे हैं और अल्लाह करे तेज हो जाए। हाँ भाई, इस वक्त टाइम 8, फाइनली घर वाले आ रहे हैं और बस अभी हालत बुरी है, अभी घर जा रहा हूँ, बल्कि पहले सामान उनसे भाई के साथ रखवा के फिर घर जाऊंगा। तो बस अभी आप सामान देखें क्या है भाई। ये एक पाइप है, ये चीज़ें, ये अभी इनको अनबॉक्सिंग करना है। ये सारा भाई, ये पाइप, ये कमोड, एक कमोड बाहर पड़ा है और एक अंदर, ये पाइप वगैरह, मतलब पाइप, ये पाइप नहीं वो बैंड, ये छोटा मोटा सामान है फिलहाल। तो बस अभी भाई के साथ रखवाते हैं और फिर घर नहीं तो फिर क्योंकि इधर ही बैठना पड़ेगा, भाई थके हुए हैं तो उनको आराम, फिर मैं इधर ही हूँगा। तो बस जो होता है अभी वो देखो। तो भाई अभी रात के पूरे 2 बज रहे हैं, व्लॉग का एंड मैं अब कर रहा हूँ क्योंकि दुकान से मैं आते साथ सो गया था, थका हुआ था और तबीयत थोड़ी ख़राब होने लग गई थी इसलिए। तो बस रात के 2 बज रहे हैं अभी। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था, थोड़ा सा बोर लगेगा आपको तो माजरात यार। तो बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। तो भाई इस वक्त मैं छत पे बैठा हूँ और हवा चल रही है, तो मैंने सोचा यार जब हवा चल रही है तो ऊपर जाके थोड़ा बैठते हैं, और नीचे तो गर्मी थी थोड़ी सी। तो मोहम्मद बिलाल को दीजिएगा इजाज़त, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।